दिल्ली से क्या नाम है? बहुत बढ़िया है। आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा कि बच्चों को पेपर देने के लिए अपने गृह जिले से बाहर नहीं जाना। आप खुद देख रहे होंगे कि जीरी का एक एक दाना उठा। और आप कल जब हम संविधान दिवस मनाएंगे हरियाणा की विधानसभा के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाकर, तो आप देखना कि पंचायती राज एक्ट के अंदर कैसे संशोधन आएंगे जो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की कही भी बातों को बड़ी अच्छी तरीके से फ्लोर कर लेते हैं। सुशील जी, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा जो हरियाणा की जनता है, ग्रामीण आपकी पृष्ठभूमि रही है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की और छवि भी कहीं ना कहीं कंपेयर करके देखी जाती है ताऊ देवीलाल के साथ, जो सबसे ज़्यादा इंतजार है, और ये सवाल जनता का है, मेरा सवाल नहीं है कि 5100 पेंशन होगी या नहीं होगी। हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि 5100 जब से फालतू भी नहीं, अगर उसके लिए बिल्कुल एक गठबंधन की सरकार है। ये फैसले कोई अब एक तरफा तो नहीं लिए जाएंगे, मिलकर लिए जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ रेवेन्यू कलेक्शन की बात है, उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। GST शेयर में जो आज हमें स्टेट में लॉस आता है वो इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी। तो ये बुजुर्ग तो भरोसा कर सकते हैं कि ये बढ़ेगी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आप बेफिक्र रहिए, पेंशन को बढ़ाने का काम मजबूत तौर पर। धान की खरीद को लेकर आपके जो आपकी जो गठबंधन की सरकार है उनके विचार मेल नहीं खाते और मौका मिल रहा है विपक्ष को? आप कह रहे हो कि घोटाला हुआ है, बीजेपी वाले कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ है। दुष्यंत ने एक चीज कही है कि लोगों ने हम पे ये बात कही थी कि धान नहीं पचे। मैंने तो विधानसभा के पटल पे खड़ा होकर कहा था पिछले सेशन के अंदर कि आप हमें बताइए कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, हम उसकी चेकिंग करा लें। मगर दाना एक एक खरीदे और 14 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के एक एक दाने को, परमल के दाने को हमने खरीदा। उसके बाद कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि हमारा पैसे का जो स्टॉक है जिसको हमने PDS के माध्यम से बांटना है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाए। और 13 जिलों के अंदर अलग अलग टीमें गठित करी, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है, प्राइमरी रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे जैसे 10 लाख मैट्रिक टन से ऊपर की वेरिफिकेशन हो जाएगी, जो प्राइमरी रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट भी पब्लिक करनी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की डेडलाइन क्या है, कब बना रहे हैं? और उसके अलावा जो एस्टेट की आपने बात की है, और कोई ऐसे विषय है कि बैठक जो आप लोगों के माध्यम से मेरे को पता चली है? ये तो इसके ऊपर अनिल विज जी, अनुज जी कह सकते हैं, दोनों मंत्रियों ने बैठ कर कमेटी के साथ चर्चा की। 28 तारीख तय करी गई, मगर उसके अंदर आपको ये विश्वास दिला देता हूँ कि आपको 26 तारीख से ही दोनों पार्टियों की कॉमन घोषणाओं पर एक्शन। दो सवाल हैं और ये सवाल कुलदीप शर्मा पूर्व स्पीकर ने उठाए कि आपके 7 विधायक नाराज हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में जो मंत्री आपने कम बनाए हैं, आपके कोटे में एक्चुअली थे कितने? आपके मुंह से ये निकला नहीं, एक्चुअली क्या कितने मंत्री? क्या कुलदीप शर्मा का ये अधिकार है कि हमारी पार्टी में किसको शपथ दिलानी है उसका फैसला हो? हमारे साथी एक एक बड़ी मजबूती के साथ संगठन के साथ थे। ये तो कांग्रेसियों के अंदर से कहीं ना कहीं वो भड़ास दुख निकलता है कि उनको ये दिखता था कि सरकार बन जाती, मगर ना तो उनके पास नंबर्स थे, केवल मात्र ये देखकर कि प्रदेश का। तो दूसरी चीज़, यहाँ चौधरी देवीलाल की विचारधारा की बात, पिछले 4 दशक में तो कांग्रेस से हाथ मिलाए हैं, मुझे लगता नहीं कि अगले 4 दशक और हम हाथ मिलाएंगे। कोटा है कितना आप लोग का? 3 है हमारे संगठन का निर्णय है, टोटल TV का निर्णय ये बिल्कुल टोटल टीवी का निर्णय हमारे है, हमारे ये हमारी हमारे पे छोड़ दीजिए, हमारा कोटा क्या है। अच्छा, हमें सरकार के अंदर अपने सहयोगियों के साथ बड़ी मजबूती से मिलकर करना है और मिलकर चलना। एक आखिरी सवाल, राज्यसभा को लेकर भी है या सिर्फ हरियाणा सरकार को लेकर? वही तो कह रहा हूँ कि ये निर्णय हमारे संगठन का और भारतीय जनता पार्टी का। मुझे लगता है कि किसी न्यूज़ चैनल को इस चीज़ पर ये सवाल पूछने की जरूरी नहीं बन, क्योंकि ये इंटरनल पार्टी सिस्टम की बात है, कहाँ अपने आप को मिलकर आगे लेकर जाए। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास भी महाराष्ट्र और इसको छोड़ के कोई न्यूज़ नहीं। न्यूज़ तो है लेकिन विपक्षियों को मौका भी मिल रहा था, इस वजह से आपसे सवाल पूछा था। अगला एजेंडा एक दो जो ऐसा है कि आपकी नज़र में हो, क्योंकि 50 किलोमीटर के अंदर आप कल चंडीगढ़ आइए।